और राम लक्ष्मण इधर घूम रहे हैं बाग में, और उधर उसी समय उसी जगह उसी दिन उसी मंदिर में सीता भी आई पूजा करने। अकेली नहीं है, सैन्य साथ में है, पूजा की थाली हाथ में है। सीता पूजा करने के लिए एक सहेली सीता की बिछड़ी गई। राम लक्ष्मण घूम रहे बाहर जाके पहुंची, और जैसे राम लक्ष्मण को देखा उन्हीं पैर दौड़ी और सीता से जाके बोली, सहेली सीता आज ऐसा लगता है। कैसा लगता है? बोली ऐसा लगता है जिनका हम बरसों से नाम लेते आए, जिनका कीर्तन गुणगान करते आए, ऐसा लगता है कि वो श्री राम आज हमारी बगिया में आए। और बोली चला बगिया राम बगिया में कहीं है सीता या राम लक्ष्मण बैठे। महा राम ने सीता को देखा, सीता ने राम को देखा होगा क्या? अरे सीता ने राम को देखा, राम ने सीता को देखा तो होगा क्या? अरे होना क्या था? तुलसीदास बीच में बोल पड़े, सियचबे देखी राम मति भटकी, और राम छबे देखी सिया मति अटकी। राम ने सीता को देखा, सीता ने राम को देखा, तो तुलसीदास कहते हैं कि दोनों की दशा वो हो गई जैसे गूंगा आदमी होता है। गूंगा तुम गूंगा आदमी को खूब बढ़िया मिठाई खवा, खूब बढ़िया, फिर वहां से पूछो भैया तुम कैसी लगी? नहीं बता पाई भाई, अच्छी लगेगी तो हंसती है और खराब लगी तो मुंह भी गंजे है और तुम्हें जान हो जाए कैसी लगी। तो सीता अपने दिल की बात राम से नहीं बोल पाए और राम अपने दिल की बात सीता से नहीं कह पाए। लक्ष्मण पीछे खड़े थे, राम से बोले भैया गुरु जी इंतजार कर रहा है। बोले चला। अब राम लक्ष्मण इधर चले आए, सीता मंदिर में प्रवेश करती है। उधर जनक को खबर मिली है कि राम लक्ष्मण आए हैं विश्वामित्र के साथ, बड़े खुश हो गए। पूरी जनकपुरी को दिखाया है, जो एक जनकपुरी नई दुल्हन की तरह सजाई गई थी।
सीता जी जय माला लेकर के उसी इधर से राम को से तो तुलसीदास ने एक शंका कर दी रामायण में। तुलसीदास जी बोले कहते हैं कि रंग भूमि जब सिय पग धारी और रूप देख मोहे नर नारी। सीता ने जो रंग भूमि में कदम रखा उनकी सुंदरता ही देखकर वो स्त्रियां भी मोहित हुई और पुरुष भी मोहित हुए। लेकिन दूसरी जगह तुलसीदास ये कहते रामायण में नारी स्वभाव सत्य कब कही है अब गुणा आठ सता उड़ रही है। तुलसीदास बोले पल पल में झूठ बोलने की औरतों की आदत होती है, झूठ बोलने की औरतों की आदत होती है। ये हम नहीं कर रहे माता पे ये सोचे रजनीश बुराई कर रहे हैं हमारी, हम बुराई नहीं करते किसी की, और करेंगे तो तुम्हारे गांव की थोड़ी करेंगे, इधर की नहीं करेंगे, जानते हैं कि ऐसी है ही नहीं, तो काई को कहते कोई नहीं। पल पल में झूठ बोलने की औरतों की आदत होती है और स्त्री कितनी भी पढ़ी लिखी हो कितनी भी होशियार हो लेकिन अब अंगुल आठ सदा उड़ रही है। आठ अंगुल हर स्त्री के अंदर मौजूद होते हैं और इन आठ अंगुलों में जे भी अंगुल है कि मोहे न नारी नारी के रूपा ओपन गार जेरी दिया लूपा। स्त्री कभी दूसरी स्त्री को देख के मोहित नहीं होती। तो तुलसीदास जी काहे को कह रहे कि सीता को देख के स्त्रियां मोहित तो नहीं हुई। अब इसमें कौन सी बात सही है, अब इसमें यही बात सही है ना, तो स्त्री दूसरी स्त्री की बड़ाई करे और ना बड़ाई सुने, वैसे चाहे रोटी खा लो किए कर लो जो बात है सब को कर ले, बड़ाई नहीं करते ना करे ना सुने। तो तुलसीदास की बात छोड़ो, किसी दिन अपने घर में ही अजवाइस करना, किसी दिन तुम अपनी औरत के पास बैठ के वो कहो दूसरी औरत की बड़ाई करी फिर देखो संजा को बना लड़े रोटी मिल जाए। ये कमी होती है। एक कवि कहता है कि नारी का छुआ कर लिखी है मारी, ज्यादा नहीं है आप लोग सोचो ज्यादा ज्यादा नहीं है थोड़ी है। अरे नारी कछु अकल की है मारी ओ इनमें अब बोला तू करें। ये हम नहीं कह रहे हैं, आप लोग सोचो हम कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं। आजकल की कोई बात हम कहेंगे ही नहीं, आजकल की स्त्रियों में कोई अंगुण है ही नहीं, तुम काई को कहे है ही नहीं। वैसे गुण भी है, ऐसा नहीं गुण ना हो, लेकिन गुण है गिने चुने तीन गुण। पहला गुण संसार की जितनी भी सृष्टि है ये स्त्री के ऊपर निर्भर है, संसार की सृष्टि को स्त्री चलाती है, बच्चे को जन्म देती है, गुण है। दूसरा गुण अगर स्त्री अपने पति से सच्चा हित करती
सच्चा प्रेम करती है, पति को चाहती है, तो अपने पति के साथ जिंदा जल जाती है, सती हो जाती है। ये गुण है। तीसरा गुण, घर में जब कुछ अच्छा काम होता है, विवाह शादी होती है, तो जिस आंगन में औरतें मंगलाचरण करती गीत गाती है, उस घर की शोभा कुछ अलग होती है।